आपको बता दूं, गुवाहाटी के होटल में वापस लौटे एकनाथ शिंदे। 4 घंटे बाद होटल में वापस आए एकनाथ शिंदे। 4 घंटे से होटल से बाहर थे। पहले गुवाहाटी से मुंबई जाने की खबर थी, लेकिन हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने TV9 भारतवर्ष में सबसे पहले आपके सामने यह खबर रखी थी कि मुंबई जाने का प्लान एक तरीके से हाराकिरी हो सकता है, बूमरैंग कर सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, खुद पे भारी पड़ सकता है, और इसीलिए शायद मुंबई जाने का प्लान कैंसिल किया गया और वापस वो होटल लौट आए। अचानक ही शिंदे का मुंबई निकलने का प्लान कैंसिल हो गया। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष कुमार सिंह, आपने ये बात मुझे याद है कुछ देर पहले लाइव में मेरे साथ ही कही थी कि मुंबई जाने की सोच तो रहे, लेकिन मुंबई जाने से पूरा गुड़ गोबर हो सकता है, और इस बात को भी वो शायद खातिर में रख रहे होंगे। बहुत मेहनत से और सोच सोच के, फूक फूक के जो उन्होंने पत्तों का यहाँ पर घर बनाया है ठीक मेरे पीछे रेडिसन ब्लू होटल में, वो अगर कोई भी एक गलती करेंगे तो वो भरभरा के गिर सकता है। और इसी बात के लिए एकनाथ शिंदे, मुझे लगता नहीं है कि MLAs को छोड़ के एटलीस्ट इतनी जल्दी, अगर 40-42 नंबर क्रॉस हो जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन अभी जब 38 नंबर है तब वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे नहीं। इनफैक्ट मैं एक और बात कहना चाहूँगा दिनेश, कि MLAs यहाँ से जाने के चांसेस डायरेक्टली तब ही होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद में फ्लोर ऑफ टेस्ट होगा। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर मुंबई गए और तुरंत फ्लोर ऑफ टेस्ट या किसी तरह की प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई, तब फिर संजय राउत और एक उद्धव ठाकरे और बाकी जो शिवसेना के वहाँ पर MLAs और MPs हैं वो इन पर काफी ज्यादा। लेकिन आप जल्दी से एक बात ये भी बता दीजिए आशीष, एक बात ये भी बता दीजिए कि वहां से सीधे सीधे बैठकों से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कब तक रुकोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा यहाँ चौपाटी में, और फिर अगर यहाँ वापस आना पड़ेगा तो फिर यहीं के लोगों को झेलना है और यहाँ पर तांडव देखने को मिल सकता है शिव सैनिकों का उन लोगों के खिलाफ जो बागी हुए हैं। इस बात को वहां कैसे लिया जा रहा है जो खुद को शिवसेना समझते हैं? देखिए, एक वजह है दिनेश जी कि मुंबई से डायरेक्टली गुवाहाटी नहीं आया जा रहा है, वो भी चार्टर फ्लाइट होने के बावजूद वाया सूरत किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है, उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार है अभी तक तो है, और ऐसे में अगर मुंबई से गुवाहाटी कुछ भी डायरेक्ट प्लान बना तो वो प्लान पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने की क्षमता वहाँ पर जो शिवसेना के MLAs MPs हैं वो रखते हैं। अब गुवाहाटी से मुंबई की चौपाटी कब जाएंगे, इसको लेकर एकनाथ शिंदे और बाकी MLAs काफ़ी ज़्यादा सतर्क चल रहे हैं। जो 2 स्टेप अभी होने बाकी हैं उसको लेकर वो तैयारी शुरू करते हैं। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोसीजर को लेकर एकनाथ शिंदे की तैयारी शुरू हो गई है, उन्हें पता है कि अगला कदम और अगला पड़ाव वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैटल के लिए खुद को एकनाथ शिंदे खेमा तैयार कर रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स आपने दिए हैं, वो अपडेट्स दिए हैं जिससे अड़ी का आगे का टोन और टेनर सेट होता है।